दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और गाइज आप देख रहे हैं यूनिक मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट लैरी एगो के बारे में, जो कि एक क्लोरोक्विन फास्फेट टैबलेट है। यानी इसका अगर हम फार्माकोलॉजिकल नेम देखें तो ये क्लोरोक्विन के टैबलेट होते हैं, जिनका इस्तेमाल मच्छर से बचने के लिए यानी मलेरिया वगैरह से बचने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस टैबलेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, मेरे साथ वीडियो में लगातार बनी रहिए। गाइस लैरियागो एक एंटी पायरेटिक मेडिसिन होती है, एंटी पायरेटिक टैबलेट होती है, जो कि इस्तेमाल की जाती है मलेरिया वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइस जब मलेरिया फैलता है, जो कि पैरासाइट्स की वजह से होता है, तब मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की ये जो मेडिसिन है इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों जब किसी को मच्छर काट लेते हैं और मच्छर काटने के बाद बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है और मलेरिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि बॉडी के अंदर पैरासाइट्स जो है चले जाते हैं, पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तब इस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए लैरियागो टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। दोस्तों ये मेडिसिन कैसे काम करती है? तो गाइज ये जो पैरासाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको किल करने का काम करती है और उनसे होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको फर्दर रोकने का काम करती है। तो ये जो टैबलेट है वो मच्छर के द्वारा फैले हुए इन्फेक्शन को किल करती है, ख़त्म करती है, और आगे इन्फेक्शन ना फैले इसको भी रोकने का काम करती है। तो गाइज़ ये इस मेडिसिन का काम करने का तरीका हो जाता है। मलेरिया के लिए ये मेडिसिन दी जाती है ताकि मलेरिया जैसी बीमारी से बचाया जा सके। तो गाइज़ ये मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। तो इस तरह से इसके ये बेनिफिट्स हो जाते हैं कि जब भी पेशेंट को मलेरिया वगैरह की शिकायत होती है तब डॉक्टर के द्वारा ये लैरियागो टैबलेट दी जाती है। दोस्तों ये जो टैबलेट है वो 250 mg की मात्रा में है, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 250 mg है। अगर कोई पेशेंट एक टैबलेट लेता है तब उसको 250 mg की मात्रा में मेडिसिन मिलती है। गाइस जान लेते हैं इस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं पेशेंट के लिए। तो दोस्तों अगर कोई पेशेंट ये मेडिकेशन करता है, डॉक्टर उनको देते हैं मेडिसिन, तो उनको रैसेस वगैरह डेवलप हो सकते हैं बॉडी पर, साथ ही डिजीनेस रह सकता है, हेडेक रहेगा उनको, सरदर्द वगैरह फील हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, उल्टी मितली जैसी समस्या रहेगी, और साथ ही उनको दोस्तों लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख में कमी, तो भूख में कमी वगैरह हो सकती है, और स्टमक का पेन भी लग सकता है, पेट में जो है उनको दर्द की फीलिंग हो सकती है। तो गाइज ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो पेशेंट में आ सकते हैं। तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो फर्दर मेडिसिन को रोक दें, इसको लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं ताकि आपको कोई दूसरी मेडिसिन देकर ट्रीटमेंट किया जा सके। दोस्तों डोज़ की अगर हम बात करें तो डोज़ आपके डॉक्टर की सलाह से रहती है, डोज़ आपको कभी भी खुद से नहीं लेनी है। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन नहीं है और वो इन्फेक्शन फैलने वाले एरिया में मान लीजिए जा रहा है या रहने लगा है, तो एक टैबलेट वीक में ले सकता है। तो ये एक टैबलेट वीक में वो ले सकते हैं ईज़िली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके अलावा अगर किसी को ऑलरेडी मलेरिया हो रखा है और उनको इन्फेक्शन हो चुका है, तब डॉक्टर उसकी सीवीआरटी को देखकर उसको डायग्नोस करने के बाद डोज को प्रेस्क्राइब करते हैं, जिससे कि पेशेंट को एक सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के इंट्रैक्शन की, यानी ये जो मेडिसिन है वो किसके साथ इंट्रैक्शन कर सकती है। तो गाइज ये कौन कौन से ड्रग हैं जिसके साथ इंट्रैक्शन हो सकता है? तो ये जो मेडिसिन है वो लीफलोनामाइड और मेफ्लोक्विन के साथ इंट्रैक्शन कर सकती है। तो इस तरह का अगर कोई मेडिकेशन कर रहा है तो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ मेडिकेशन करें, अपने डॉक्टर को पहले बता दें ताकि डॉक्टर जो है उसका एक सही सॉल्यूशन दे सकें। तो गाइज़ ये था इस मेडिसिन का इंट्रैक्शन विद ड्रग्स। दोस्तों जब भी आप इस मेडिसिन को ख़रीदते हैं या कोई भी मेडिसिन ख़रीदते हैं तो इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह ज़रूर चेक कर लिया करें। साथ ही कुछ एक सेफ्टी टिप्स हैं जो कि हर एक पेशेंट को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मेडिसिन की एक सही डोज लें जितनी डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा मेडिसिन को सनलाइट से और धूल धूप से बचा के रखें, साथ ही बच्चों की पहुंचते मेडिसिन को दूर रखें ताकि वो गलती से इसको निगल ना लें, जिससे कि किसी तरह का नुकसान ना हो। तो गाइज़ ये थे कुछ आज की इस वीडियो में लैरियागो टैबलेट के बारे में एक जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों
दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।